सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 सीरीज जो है वो हो सकती है, कोई ब्रैकेट निकाली जाए, कोई अंदर से जगह निकाली जाएगी, 8-10 रोज के लिए 2-3 मैचेस करवा दिए जाएंगे, तो ये चांसेस भी जो हैं, ये चांसेस हैं। अभी कबल इस वक्त कहना जो है वो कुछ भी हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि बहरहाल ये अभी खैर सगाली का खत है, जैसा कि हमारी पहले भी बात हो रही थी कि ये वही बात हो सकती है कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम, हो सकता है कि ये मैच हो सकता है कि ये किसी तरीके से चेयरमैन पीसीबी जो है ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं कर रहे हैं, और क्रिकेट डिप्लोमेसी पर पीसीबी के एक अफसर का यह कहना है कि इशारे मिल रहे हैं, कहा गया है कि तैयारी रखें और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। हाँ। और आपको पता है पिछली बार पाकिस्तान भारत गया था, और अगर इस दफा सीरीज होती है तो भारत को पाकिस्तान आना होगा। जराइल का यह कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज खेलने पर ब्रेक थ्रू होता है तो T20 मैचेस के लिए 6 दिन के लिए विंडो जो है वो लगाई जा सकती है, ऐसी मुमकिनात में से है। अगर ये सीरीज काबिले अमल होती हैं तो भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने ही भारत का दौरा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान 2012-13 में आखिरी दो तरफा सीरीज भारत में हुई थी, जुनेद खान ने क्या कमाल उसके अंदर बॉलिंग की थी, और अगले साल भारत में T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। और दूसरी जानब दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी दस्ते की आखिरी कोविड टेस्टिंग जो है वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं, और टीम जो है 35 खिलाड़ियों के साथ ये जो टेस्टिंग करवाई गई थी उसके बाद अब जोहान्सबर्ग के लिए रवानगी हो चुकी है, टीम जो है उड़ान भर चुकी है। पाकिस्तानी दस्ता जो है वो आज उड़ान भर चुका है और अब खेल पेश किया जाएगा वहां पर, और ये बड़ी अच्छी बात है कि खुशाइन बात ये थी कि जाने से पहले सारी टीम के जो टेस्ट थे वो नेगेटिव आ गए, हमारी तमाम टीम जो वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी सीरीज का कोई इम्कान नजर आ रहा है, इस हवाले से क्या इत्तला है आपके पास? विशाल गुड मॉर्निंग एंड हमजा गुड मॉर्निंग। ओवरऑल देखिए अभी ये बहुत जल्दी होगा, कुछ चीजें अभी इंडिया में ऐसी चल रही है। कल एक प्रोग्राम में मैं था, इंडिया से मुझे लाइन पे लिया हुआ था, तो बेदी साहब वहां पर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे साथ में, उनका कहना ये था कि इस वक्त मोदी साहब जिस तरह इलेक्शन में फंसे हुए हैं, बंगाल का इलेक्शन है, कई और जगहों पे इलेक्शन है, उनके साउथ में इलेक्शन है, लेकिन बंगाल का इलेक्शन उनके लिए डू एंड डाई वाली सूरत हाल रखता है, जिस तरीके के हालात इंडिया में रिसेंट पास्ट में हुए थे, तो उनका असल फोकस तो अभी इस जानिब दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हो, ये जरा इस तरीके की फिगर जरूर है कि स्टैंड फैसला खुद करते हैं, बात खुद करते हैं। माजी में हमने देखा था कि जो हुकूमतें पाकिस्तान और भारत की हुआ करती थी, जियाउलहक साहब गए थे मैच देखने के लिए, राजीव गांधी साहब आए थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब दोनों हुक्मरान है वो डिसीजन लेंगे कि आया होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, अगर उसूलन देखा जाए कानूनन देखा जाए तो इंडियन टीम को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, जका अशरफ के दौर में पाकिस्तान टीम गई थी, और अभी हमजा जिस तरीके से आप जुनेद खान के स्पेल की बात कर रहे थे, बड़ा लाजवाब स्पेल था वो, अच्छा स्पेल करने के बाद आज तक जुनेद खान भी टीम में दिखाई नहीं दिए। तो कहने का मकसद है अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमजा, शायद मेरा अपनी जाती राय ये कि पाकिस्तान में सीरीज फिर ना हो। इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड T20 इंडिया में होना है, और शायद कोई एक विंडो उसी वक्त बनाई जाए कि 3 T20 मैचेस बिफोर वर्ल्ड T20 इंडिया में खेलने। मैं नसीम राजपूत साहब उसी तरफ आ रहा था कि भारत इसमें लीनियंट हो सकता है, भारत की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मशरूत कर रखा है कि हमने भारत जाना है या नहीं जाना है, तो भारत ये पाकिस्तान को ऑफर तो कर सकता है कि हम आपके पास आके सीरीज खेल लेते हैं, आप हमारे पास आके वर्ल्ड कप खेल लें। देखिए वर्ल्ड T20 तो हमें खेलने जाना ही है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमें जाना पड़ेगा, ये ICC भी वैसे दिखाने के लिए है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ ही नहीं, हम वर्ल्ड T20 खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो ICC कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बात ये कि वर्ल्ड T20 खेलने हम जरूर जाएंगे, एक बात तो तय है, चाहे हमारे शाइकिन को वीजा मिले ना मिले, जो हमने अप्लाई किया हुआ है, हमारे मीडिया को मिले ना मिले, और COVID-19 की वजह से शायद बहुत सारी जवाब बन जाएंगे वीजे ना देने के भी। देखिए ना, बायो सिक्योर बबल बनाना पड़ता है प्लेयर्स के लिए, क्राउड को वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है वो अपनी इस IPL में कोई ना कोई प्रैक्टिस करें जो अब होने शुरू होने जा रही है,
कि कुछ क्राउड को बुला के वो देखें कि हम वर्ल्ड T20 में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। अगर क्राउड नहीं आ रहा तो पाकिस्तानी शायकीन को वीजे किस बात के। और दूसरी चीज, अब तक ज्यादातर मुंह में अल्लाह हाथ में बम, कर दो दुनिया एक झटके में खत्म, ये है इन पाकिस्तानियों की सच्चाई। ये पाकिस्तानी आपको पता है डिस्कस कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक लेटर लिखा, उसके बाद से ये इतना ओवर एक्साइटमेंट और क्या क्या न्यूज़ दिखा रहे हैं, कोई भी मतलब समझ से परे है ये चीज़ें इंडियन मीडिया में बिल्कुल भी कवर नहीं की जा रही। इसके रिएक्शन में विक्रांत गुप्ता, आप जानते हैं विक्रांत गुप्ता आज तक स्पोर्ट तक में आते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बोला कि नो बी रियलिस्टिक, इट्स नॉट पॉसिबल सीरीज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दिस ईयर और अपकमिंग ईयर्स। मतलब आप समझ सकते हो भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, और उस बीच आप ऐसी न्यूज़ लाते हो कि भारत पाकिस्तान की बहुत जल्दी सीरीज़ हो सकती है। इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में आ रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहे हैं ये न्यूज़ कहाँ से मिल रही है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, कौन इन्हें इस तरीके की बातें करता है। इन्होंने एक बेस बनाया, इन्होंने बेस बनाया प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेटर को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इमरान खान को लेटर दिया, लेटर में लिखा कि हम आपसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं और आपके नेशनल डे, मतलब कुछ पाकिस्तान डे वगैरह था, उसकी आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपके स्वास्थ्य की बहुत जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोरोना वायरस से अभी मतलब पॉजिटिव निकला उनका, तो उसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ अपने ही तरीके से न्यूज़ बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि भारत पाकिस्तान के बीच बहुत जल्दी सीरीज़ हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक मतलब डिसाइड कर लिया वीज़ा किसे मिलेंगे किसे नहीं मिलेंगे। कुछ चैनल्स तो ये भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर खेलते हुए देखेंगे, इस तरीके की बातें भी होने लगी। तो दोस्तों क्या कर सकते हो, पाकिस्तान आप समझ सकते हो ओवर एक्साइटेड है, पाकिस्तान भारत से खेलने के लिए मरा जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है भारत से जो बोर्ड खेलता है वो मालामाल हो जाता है, उसे ब्रॉडकास्टिंग राइट से इतना फ़ायदा होता है जितना वो दुनिया के सारे देशों से खेलने के बाद भी ना कमा पाए उतना भारत से खेलने के बाद कमा लेता है, आपको भी पता है। तो दोस्तों पाकिस्तान पिछले कई समय से भारत के साथ सीरीज़ खेलने के लिए मरा जा रहा है, ये हर प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, इनका हर एक्स क्रिकेटर अपने यूट्यूब चैनल बना, एक तो इनका हर एक्स क्रिकेटर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और उसमें ये भारत भारत करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है भारत ही बिकता है, भारत ही, भारत से ही इनका यूट्यूब चैनल चलता है, तो ये वही करते रहते हैं। और इन्होंने एक मतलब भारत पाकिस्तान की सीरीज़ का भी इन्होंने कई बार आपने देखा होगा ये बात करते रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप क्या चाहते हैं, भारत पाकिस्तान की सीरीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर पहले पुरानी बातें, जैसा कि आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच कितनी पुरानी बातें हैं और क्या क्या है, वो मुद्दे सॉल्व होने चाहिए फिर बाकी चीज़ होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।